दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक आपने जितने भी वशीकरण वीडियो देखे हैं, यह वशीकरण वीडियो उनसे एकदम भिन्न है और अत्यंत प्रभावशाली है, परम शक्तिशाली है। इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, बताई गई विधि का अनुसरण करेंगे तो 100% आपका वशीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बताई गई विधि का अनुसरण नहीं किया, केवल मंत्र का जाप किया, तो यह प्रभावशाली नहीं रहेगा, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण मंत्र है उतनी ही महत्वपूर्ण विधि भी है। दोस्तों इस वशीकरण को करने के लिए आपको एक आलू की आवश्यकता पड़ेगी और 3 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी, और अपने पास में जिस समय आप इस विधि को अपनाएं एक पेन भी लेके रखें। दोस्तों ये एक आलू रखना है आपको और इस प्रकार की लौंग रखनी है जिसमें ये आगे फूल होना चाहिए डंडी के साथ साथ, और एक पेन आपको अपने पास में रखना है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको हमारा आदेश मानकर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। समझ लीजिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी यह मंत्र आपके लिए, आपकी कार्य सिद्धि के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए काम करेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे इतने महत्वपूर्ण वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। दोस्तों इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने वश में किसी न किसी को जरूर करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। करना बहुत सरल है लेकिन आपको वह विधि पता नहीं होती, आपको वह मंत्र पता नहीं होता। साथ ही यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपको वह मंत्र दे कौन रहा है, आपका जो गुरु है वह कितना शक्तिशाली है। तो दोस्तों जिस वक्त आप इस मंत्र का जाप करें उससे पहले अपने मन में जिसने आपको मंत्र दिया है, जैसे इस वीडियो में मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, तो आपको इस मंत्र को जपने से पहले एक बार मुझे अपने मन में गुरु धारण करके प्रणाम करना होगा और फिर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, 100% आपको लाभ मिलेगा, कार्य सिद्धि होगी। दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले वह विधि बताता हूं, उसके बाद मैं आपको वह मंत्र बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई इधर उधर की बात नहीं बताना चाहता, सीधे विधि और सीधे मंत्र बताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि कुछ फर्जी लोगों ने लड़कियों के नाम से आईडी बना रखी है और वह हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस के नीचे मैसेज करते हैं और उसमें मैं आपको बता दूं क्या लिखते हैं, गुरुजी धन्यवाद, आपकी सहायता से, आपकी कृपा से मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया है, इसलिए मैं ये नंबर शेयर कर रही हूं या कर रहा हूं जिससे कि और लोग भी गुरुजी का लाभ ले सकें और इस नंबर पर बात करें। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारा, इस तरह के मैसेज जो लोग करते हैं वह फर्जी लोग हैं। मेरा सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा और हमारी स्क्रीन पर जितने भी अब हमारे लेटेस्ट वीडियो बनाए जा रहे हैं उनमें हमारी स्क्रीन पर भी वह मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी नंबर हमारा नहीं है, आप किसी के फर्जीवाड़े में न फंसे। तो दोस्तों अब बात मुद्दे की आती है कि आपको वह विधि कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह आलू लेना है, ध्यान से देखिए, और इस आलू पर आपको क्या करना है, 2 आंखें बनानी है, इस तरह से यह गोल 2 आंखें बना दी और एक बीच में लाइन खींच दीजिए और ये यहां मुंह बना दीजिए। दोस्तों बहुत ही सरल प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसको कर ना पाए। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मस्तिष्क है,
यहां भी आपको ये घेरा बनाना है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप जिसको पसंद करते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, कोई महिला हो, जिसको भी आप पसंद करते हैं और अपने वश में करना चाहते हैं, समझ लीजिए यह व्यक्ति वही है। और आप अपने मन में उसका ध्यान करिए, और ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस मंत्र का जाप करना है। और जाप करते हुए देखिए, अब आपने यह लौंग ले ली, यह देखिए यह लौंग, इस लौंग के ऊपर जो ये फूल है इसको हल्का सा जड़ा दीजिए, जो पत्तियां हट जाएंगी उसकी, सिर्फ ये रहना चाहिए। और इसको क्या करना है, आप उस मंत्र को पढ़ेंगे, ओम ध्राम धम धम ठह ठह, और इस लौंग पर फूंक मार देंगे। और उसके बाद इसको आप, ये देखिए ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में अंदर दबा दें, ये देखिए आप पूरा दबा सकते हैं तो पूरा दबा दीजिए, मैंने पूरा इसलिए नहीं दबाया जिससे आपको दिखाई देता रहे, आप पूरा दबा सकते हैं तो पूरा भी दबा दीजिए। उसके बाद आप दूसरी लौंग लीजिए, और दूसरी लौंग को भी आपको क्या करना है, मंत्र पढ़ना है, ओम ध्राम धम धम ठह ठह, और इस लौंग पर फूंक मारनी। और उसके बाद आप उसकी जो आंख है, उस आंख में ये लौंग आपको घुसा देनी। ठीक वैसे ही आपको तीसरी लौंग लेनी है, और तीसरी लौंग लेने के बाद आपको वही मंत्र पढ़ना है, ओम ध्राम धम धम ठह ठह, और फूंक मारनी है। और उसकी जो दूसरी आंख है, उस दूसरी आंख में ये लौंग आपको घुसा देनी है। दोस्तों जैसे ही आप तीन बार इसको ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद आप इस आलू को अपने हाथ में ले लीजिए, और 11 बार इसी मंत्र का जाप करके प्रत्येक बार आप मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, इस तरह आपको 11 बार यह प्रक्रिया अपनानी है। और उसके पश्चात आपको इस आलू को एक कोई पॉलीथिन में बंद करके रख देना है। दोस्तों याद रखना, पॉलीथिन में इस तरह बंद करें किसी को दिखाई ना दे, कोई पेपर में लपेट लें, उसके बाद पॉलीथिन में रख दें। आप जैसे ही इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में हलचल मच जाएगी, वह पूरी तरह से आपके वश में हो चुका होगा, भले ही वो कितनी ही दूर बैठा हो, और वह आपसे मिलने के लिए वहां से दौड़ पड़ेगा। उसकी आंखों में आपने जो लौंग लगाई है, जो मंत्र पढ़ के, उसकी आंखें आपको देखने के लिए तरस पड़ेंगी, और वह हर संभव जिस जगह पर है वहां से चलकर आपके पास आने का पूरा प्रयास करेगा, या प्रयास करेगी कि वह अपनी आंखों से सबसे पहले आपको देख सके। दोस्तों बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है, आपको अटूट विश्वास के साथ करना है। और कोई भी व्यक्ति मैसेज में यह सवाल नहीं करेगा कि गुरुजी क्या यह मंत्र काम करेगा, क्या ऐसा होगा। आप जैसे ही शंका प्रकट करते हैं, वैसे ही आपका उत्तर समझ लीजिए कि आपके लिए यह मंत्र कार्य नहीं करेगा। संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है, पूर्ण रूप से विश्वास करके जाप करना है। अभी तक आपने जितने भी मंत्रों का जाप किया है, जो भी विधियां आपने अपनाई हैं, एक बार इस मंत्र का जाप कीजिए, इस विधि को अपनाइए, उसके बाद देखिए आप वशीकरण का चमत्कार, क्या आप जिसको अपने वश में करना चाहते हैं कैसे दौड़ करके आपके घर की कुंडी को खटखटाता है। दोस्तों
अब अंत में आप सोच रहे होंगे कि यह आलू जिसमें लौंग लगी हुई है, ये इसका करना क्या है। इसको आप जिस दिन आपने प्रयोग किया है, रात्रि में करना है इसका, मध्य रात्रि में, रात्रि को 12 बजे के बाद करना है। यह प्रक्रिया आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको इसको अपने घर में रखना नहीं है। सुबह होते ही आप जाएं कहीं साफ सुथरा नदी हो, तालाब हो, झरना हो, समुद्र हो, वहां पानी में इसको पन्नी से निकाल के छोड़ देना है। याद रहे, इसको आप अपने घर में नहीं रखना, दूसरे दिन ही इसको पानी में विसर्जित कर देना है, अन्यथा अनिष्ट की भी आशंका है, इसलिए आप ऐसा ना करें। दूसरा, जिस समय आपने ये विधि अपनाई है, इस विधि को करते हुए कोई भी व्यक्ति आपको देख न ले, अन्यथा यह कार्य विफल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। कोई समस्या आए तो समाधान हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके समाधान पूछ सकते हैं, और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो वो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट प्राप्त करें और उसके बाद मुझसे बात करें। जय श्री राम।